बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो मारूसी सियासत का जो है वो हर जुबान के ऊपर ये बात की जाती है। गुज़श्ता दिनों मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को ताना दिया कि अपने बच्चे तो लंदन में पल रहे हैं और ये शख्स दूसरों के बच्चों की कुर्बानियां चाहता है। साथ ही ये भी फरमा दिया कि इमरान खान के बच्चों और सियासतदानों के बच्चों में बहुत फर्क है। इस बात से बहुत से लोगों पर यह बात मुनकशिफ हुई है कि जो शख्स हर मुश्किल घड़ी में इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करता है उस शख्स के अपने बच्चे तो लंदन में नाज़ो नेम से पल रहे हैं। मीडिया पर 5 साल से तहरीक इंसाफ वाले हर टॉक शो में ये मुद्दा सुनाते रहे कि सियासतदानों के बच्चे तो लंदन और अमरीका में पल रहे हैं। ये बात इस तवातुर से कही गई कि किसी की नज़र इमरान खान के बच्चों पर पड़ी ही नहीं, किसी को बोहतान की गर्दान में ये याद नहीं रहा कि इस मुल्क में सियासतदानों के बच्चों के साथ क्या गुजरी, उसके बाद किन जाँ गसल मरहलों से वो गुजरे। ये तहरीर मरूसी सियासत के हक में नहीं बल्कि विरासत में मिली खून की जागीर के हवाले से है। सबसे पहले हमजा शहबाज की बात करते हैं। ये कहना तो बहुत आसान है कि मारूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, बाप वजीर आजम और बेटा वजीर आला नहीं होना चाहिए, पार्टी में जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन इन दलाइल से पहले देख लें हमजा शहबाज की जिंदगी कैसी गुजरी है। 1999 में जनरल मुशर्रफ के मार्शल्ला के बाद हमजा शहबाज को जमानत के तौर पर रखकर नवाज शरीफ और बाकी खानदान को मुल्क बदर कर दिया गया। हमजा शहबाज की उम्र कम थी, सियासत का भी कुछ इल्म नहीं था। पहले उनको 1 माह जेल में धकेल दिया गया, फिर माँ बाप से जुदा कर दिया गया। 5 साल हमजा शहबाज अपने माँ बाप से ना मिल सके। इमरान खान का दौर हुकूमत आया तो हमजा शहबाज फिर जेल के असीर हो गए, 22 माह कैद में रहे। शादी के 20 साल के बाद औलाद हुई, बच्ची को दिल का आर्जा था, लंदन में ऑपरेशन हुआ। इसके बाद 3 साल तक बच्ची का चेहरा ना देख सके। मुलाकात सिर्फ इसी वक्त होती जब असेंबली इजलास के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी होता था तो अहलिया बच्ची को असेंबली में ले आती और हमजा शहबाज चंद लम्हे बच्ची को देख पाते। मरियम नवाज नाजो नाम में पली थी, सियासत में आने का इरादा नहीं था, उन्होंने भी वतन बदरी को झीला, उसके साथ दौर इमरान में कैद को 2 बार झीला। काल कोठरी में रही, रात के 12 बजे जेल के कमरे में मर्द घुस आते, हर जगह कैमरे लगाए गए। इस अजियत में वालदा का इंतकाल हुआ, इंतकाल से पहले कोई एक लम्हा वालदा से बात करवाने पर तैयार ना हुआ, लेकिन खुद लंदन से वापस आकर कैद हुई, कभी उफ तक ना किया। बाप की जिंदगी की जंग मरियम नवाज ने अकेले लड़ी। मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद जब लंदन में बिस्तर मर्ग पर मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला अपनी नानी की इयादत करने जाते तो रास्ते में पीटीआई के गुंडे उनको मां बहन की गालियां देते। ये सब आफतें उन पर इसलिए पड़ी कि वो एक सियासतदान के बच्चे थे। उन्होंने इसलिए उन तकलीफों को सहा कि ये सिर्फ एक सियासतदान की नहीं बल्कि 3 दफा के वजीर आजम की चहेती औलाद थी। बिलावल भुट्टो की मिसाल आपके सामने है, बचपन माँ की गोद में कोर्ट कचहरी में गुजरा, नाना की कब्र पर आंसू बहाए, बहाते जवान हुए, वालदा की उंगली पकड़कर चलना सीखा तो वतन बतर हो गए। कभी एक मामू को मार दिया गया, कभी दूसरे की लाश देखी, वालदा वापस आई तो उनकी खून में लथपथ लाश पर मातम किया, दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। कत्ल की जगह से भी सबके सामने जुर्म के निशानात मिटा दिए गए। ये मनाजिर को देखकर आज वजीर खारजा बने हैं तो ये मारूसी सियासत नहीं खून का दरिया है जिससे गुजर कर बिलावल भुट्टो यहां तक पहुंचे हैं। उन पर इतनी तकालीफ इसलिए आई हैं कि वो सियासतदान के बच्चे हैं। सियासतदानों के बच्चों की इतनी मिसालें हैं कि लिख लिख कर सफ़े काले हो जाएं और पढ़ पढ़ के ये आप शायद बोर भी हो जाएं और देख देख के आपकी नज़रें भी शायद स्क्रीन से हट जाएं, मगर तारीख की काला ख़त्म नहीं होगी। केपीके चलते हैं, गुलाम अहमद बिलोर का नाम तो सुना होगा, एक ही बेटा था शबीर बिलोर, इलेक्शन के दौरान मारा गया, पूरा बिलोर खानदान दहशत गर्दी में ख़त्म कर दिया गया। भाई बशीर बिलोर की लाश के टुकड़े मिले और उनके जवां साल साहबजादे हारून बिलोर भी दहशत गर्दी के हमले में जान से गुजर गए। एएनपी के रहनुमा मियाँ इफ्तखार के अखलौते बेटे मियाँ राशिद को दहशत गर्दी के हमले में मार दिया गया। साबिक वजीर आला केपी के अनायतुल्ला गंडापुर के 2 जवान बेटे मार दिए गए। इन सब का कसूर ये था कि ये सियासतदान के बेटे थे और मुल्क में जमहूरियत के रखवाले थे। इमरान खान को क्या पता कि इस समाज में सियासतदान का बच्चा होना क्या मानी रखता है। इन मिसालों से भी तसल्ली नहीं हुई तो अकबर बुगती की औलाद से पूछें, एक डिक्टेटर ने किस तरह एक सियासी रहनुमा को बम से उड़ा दिया और फिर मरी के पुरतायुस रेस्ट हाउस में बैठकर इस फतह पर जाम के जाम लुंढाए। बलोचिस्तान की एक और भी बहुत सी महरूमियां हैं मगर अकबर बुगती के बच्चों का गम उन महरूमियों के जख्म को हमेशा हरा रखेगा। इमरान खान चूंकि एक लाडले सियासतदान है लिहाजा उनको इस समाज में 7 खून माफ हैं। वो चाहे आइन को पैरों तले रोंद दें, चाहे कानून की धज्जियां भी खेर दें, चाहे अदालतों का मजाक उड़ाएं, चाहे इलेक्शन कमीशन की तौहीन करें, चाहे इस्लामाबाद को नजर आतिश करें, उनको कोई नहीं रोकता। मसला उन सियासतदानों का है जो इस धरती के बासी हैं और दहाइयों से मातूब कहलाए गए हैं।
उनके बच्चों की जिंदगी कैसी रही, बस ये बताना मकसूद था। मेरी दुआ है कि इमरान खान के बच्चे इन तमाम आफतों से महफूज रहे। लेकिन खान साहब को सियासत दानों की औलादों पर कीचड़ उछालने से पहले ये जान लेना चाहिए कि जितनी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के सियासतदानों के बच्चों ने दी हैं, इसकी मिसाल किसी और खित्ते में नहीं मिलती। ये इन्हीं कुर्बानियों का इजाज़ है कि आज भी इस मुल्क में जमहूरियत नामी निज़ाम सांसें ले रहा है। नाज़रीन, किसी की औलाद को इस तरह से उनके ऊपर कीचड़ उछालना, मेरा नहीं ख्याल कि सियासत के अंदर ये अखलाकियात की बात है, कि सियासत के अंदर अखलाकियात का होना लाजिम है। अगर आप किसी के खुदा को बुरा कहोगे तो लामहाला तौर पे वो आपके खुदा को बुरा कहेंगे। इस तरह से अगर आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, अगर आप तो वो उसके निशानात आपके ऊपर भी ज़रूर पड़ेंगे। लेकिन जो बसीरत वाला सियासतदान है, जिसके अंदर सियासत के हवाले से बसीरत पाई जाती है, जिसके अंदर सियासत के हवाले से गहराई और गहराई पाई जाती है, वो कभी भी से किसी की जात के ऊपर, किसी की नस्ल के ऊपर, किसी के ऊपर मारूसियत के हवाले से किसी की औलाद को, किसी के बाप दादा को, किसी की वालदा को, किसी की बहन के ऊपर गाली गलौज नहीं करेगा। हमारी सियासत इस बात का दर्स भी नहीं देती। अल्लाह ताला सियासतदानों को इस बसीरत के साथ, इस अकल के साथ, इस शऊर के साथ और इन अखलाकियात के साथ नवाजे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।